Hello students of class 8, today we are going to start chapter 8, The Signal of your English book volume 2. Let's begin. Have you ever been annoyed with a friend and not invited him for your birthday party when your all other friends have been called or aunt has been admitted in the hospital but you have not visited her in spite of many reminders? Or a situation where your classmate has been unwell and you deliberately not shared your notes, your last letter and you should not have behaved the way you did. So, आपको यहाँ पे कुछ situations दे रखी है. क्या आप कभी किसी friend से annoyed हो और उसको आपने अपनी birthday party पे invite नहीं किया हो और सारे friends को आपने बुलाया हो, ऐसा कभी हुआ है? या फिर आपके aunt जो है वो hospital में अगर admit हुई हो और आप उनको बहुत सारे reminders के बाद में भी मिलने नहीं गए हो, या फिर कोई ऐसे situation आई है जहाँ पे आपका classmate well नहीं हो और आपने जानबूझ कर उससे notes share नहीं किए और आपको बाद में realize हुआ हो कि आपको ऐसे behave नहीं करना चाहिए था. हाउ वुड यू एक्सप्रेस रिग्रेट इन दिस सिचुएशंस? ऐसे सिचुएशंस में आप अपने रिग्रेट को कैसे एक्सप्रेस करोगे? हैव यू फेल्ट गिल्टी, सेल्फिश और फेल्ट यू हैव बीन रूड और नॉन केयरिंग? क्या आपको कभी गिल्टी, सेल्फिश या ऐसा फील हुआ है कि आप किसी की केयर नहीं कर रहे हो? डू यू वॉन्ट टू अपोलोजाइज और अमेंड्स फॉर योर बिहेवियर? क्या आप अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलना चाहते हो? डिस्कस विद योर पार्टनर एंड शेयर विद द क्लास. तो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, we shall continue to the meaning words of this chapter. First, track walker. ट्रैक वॉकर एक ऐसा पर्सन होता है जो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनके इंस्पेक्शंस करता है, तो उसको हम ट्रैक वॉकर बोलते हैं. रेल थ्रू द वॉर, राइट थ्रू द वॉर का मतलब होता है कि पूरे टाइम, द एंटायर पीरियड. रियोमेटिज्म एक बीमारी होती है जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होने लगता है. हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट्स और हैंड जॉइंट्स जो होते हैं, उसमें पेन होने लगता है और वो स्टिफनेस आने लगती है, मतलब अकड़ने लगते हैं. नेक्स्ट इज गो ओवर. गो ओवर का मतलब एग्जामाइन, किसी चीज़ की परीक्षण करना, तो उसको हम बोलते हैं गो ओवर. मेड ऑफ मतलब लीव क्विकली, मतलब कि वहाँ से छोड़कर चले जाना. एक्वेंटेड मतलब जाना पहचाना, फेमिलियर विथ ईच अदर. रबल्स मतलब कि एक बेसिक मॉनिटरी यूनिट होती, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं वैसे रशिया में रबल्स होते हैं, तो ये स्टोरी रशिया की है. फॉलो माई नोज मतलब कि अपनी मर्जी से काम करना, जो हमारा मन करे उससे काम करना. पर्सनेजेस मतलब इम्पॉर्टेंट पीपल, इम्पॉर्टेंट लोग. टू पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर मतलब हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना यूजफुल मैनर में. मेड अ नोट मतलब टू पुट ऑन रिकॉर्ड, मतलब कि रिकॉर्ड में लिख देना. बेटर थिंग्स मतलब कि इम्प्रूव थिंग्स, चीज़ों को सुधारना. फ्रेट मतलब ट्रेन में जो सामानों का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको फ्रेट बोलते हैं. रीड मतलब अ टॉल स्लेंडर लीव प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली. रीड एक तरीके की ग्रास होती है, घास होती है जो मार्शी ग्राउंड पे होती है. एंगेज्ड मतलब ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब कि भरा हुआ होना, कोई प्लेस से भरा हुआ होना. और बाइंड मतलब इम्पोज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन, मतलब किसी पर लीगल आरोप लगाना, तो उसको हम बाइंड बोलते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट द ऑथर. सो नेम ऑफ द ऑथर इज वेसेवलोट मिखाइलोविच गार्शिन. ही वॉज बॉर्न इन 1855 एंड ही डाइड इन 1888. ही वॉज अ रशियन ऑथर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. गार्शिन वॉज द सन ऑफ एन आर्मी ऑफिसर हुज फैमिली वॉज वेल्दी एंड लैंडेड. एक रशियन ऑथर थे वेस्फलॉट, और गार्शिन मतलब कि इनका जो सरनेम था गार्शिन, वेस्फलॉट जो थे वो किसके, एक आर्मी ऑफिसर के बेटे थे. उनकी फैमिली वेल्दी और लैंडेड थी. 1877 में एट द स्टार्ट ऑफ द रूसो तुर्किश वॉर, रूसो तुर्किश वॉर जब स्टार्ट हुआ था तब गार्शिन वॉलंटियर टू सर्व इन द आर्मी. तब उन्होंने आर्मी में सर्व करना स्टार्ट कर दिया. ही सून रिजाइन इन ऑर्डर टू डिवोट हिज टाइम टू राइटिंग. और उन्होंने आर्मी में से जल्द ही रिज़ाइन कर दिया था ताकि वो अपनी राइटिंग को अपना टाइम दे सकें. राइटिंग मतलब कि जो वो स्टोरीज वगैरह लिखते थे, उसको लिटरेचर को. सम ऑफ हिज स्टोरीज आर फोर डेज, अ वेरी शॉर्ट नॉवल एंड द रेड फ्लावर. कुछ स्टोरीज उनकी हैं वेरी शॉर्ट डे, अ वेरी शॉर्ट नॉवल, द रेड फ्लावर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. सो द चैप्टर इज अबाउट टू रेलवे ट्रैक कलीग्स, टू ट्रैक वॉकर कलीग्स. रीड अ स्टोरी ऑफ टू ट्रैक वॉकर्स, सेमन एंड वैसिली. द स्टोरी फोकसेस ऑन द डिटेल डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉयज ऑन डिफरेंट लेवल्स इन द
रेल कंपनी, रीड हाउ वैसिली अटेम्प्ट्स टू मेक हिज लाइफ बेटर। ये दो ट्रैक वॉकर्स की स्टोरी है, सैमन और वैसिली। इस स्टोरी पे मेन फोकस किस पे दिया गया है कि दो एम्प्लॉयज़ जो एक ही रेल कंपनी में काम करते हैं, उनको डिफरेंट लेवल पे उनके बीच में डिफरेंसेस बताए गए हैं और कैसे वैसिली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है वो बताया गया है। सैमन लेवनोव वॉज अ ट्रैक वॉकर। 9 years ago ही हैड सर्व्ड राइट थ्रू द वॉर एज एन असिस्टेंट टू एन ऑफिसर इन आर्मी। सैमन लेवनोव जो हैं वो एक ट्रैक वॉकर हैं। 9 साल पहले वो आर्मी में एक असिस्टेंट थे ऑफिसर के, और वो अपनी कैंपेन में से रिटर्न हुए विथ लिम्स अनब्रोकन बट क्रिपल्ड विथ र्यूमेटिज्म। उनका कोई हाथ पैर टूटे नहीं थे, लेकिन उनकी जो जॉइंट्स थे उनमें बहुत पेन और स्टिफनेस होता था। र्यूमेटिज्म जो बीमारी है वो उनको हो गई थी, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, रिज़ाइन कर दिया था और वो अभी घर पर ही थे। इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू प्लफ विथ र्यूमेटिक आर्म्स एंड लेग्स, और उनके लिए प्लफ करना मतलब फार्मिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट था उनके इन स्टिफ आर्म्स और लेग्स से। सैमन कंटिन्यू टू ट्रैवल अलॉन्ग लुकिंग फॉर वर्क। वो अपने काम की तलाश में घूमते रहते थे। वंस ही हैपन टू राइड ऑन इंजन एंड एट वन ऑफ द स्टेशन ही फेस ऑफ द स्टेशन मास्टर सीम फेमिलियर टू हिम। एक दिन वो एक इंजन में एक राइड कर रहे थे, मतलब ट्रेन इंजन में राइड कर रहे थे, और एक स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर का फेस जो था वो उनको जाना पहचाना लगा। दे रिकोगनाइज ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ही हैड बीन एन ऑफिसर इन सैमियंस रेजिमेंट, सैमियन के रेजिमेंट में ही वो एक ऑफिसर हुआ करते थे। यू आर लव नाउ ही सेड, उन ऑफिसर ने बोला कि आप लव नाउ हो। यस योर एक्सेलेंसी, यस आपने मुझे पहचान लिया। हाउ डू यू कम टू बी हियर, तुम यहाँ कैसे आए। सैमियन टोल्ड हिम ऑल। देयर इज़ नो वेयर फॉर मी टू गो टू, आई मस्ट हंट फॉर वर्क सर। मेरे लिए और कहीं जाने की जगह ही नहीं है, मैं काम की तलाश में हूँ। द स्टेशन मास्टर थॉट अ बिट एंड सेड, स्टेशन मास्टर ने थोड़ी देर सोचा और बोला, फ्रेंड स्टे हियर एट द स्टेशन, वेयर इज़ योर वाइफ, तुम स्टेशन पर ही रुको, तुम्हारी वाइफ कहाँ है। माई वाइफ इट एट इज़ एट कुर्स्क, तो लेवनोव ने बोला कि मेरी वाइफ कुर्स्क में है। Well, write to your wife to come here. I'll give you a free pass for her. There is a position as strike worker open. I will speak to the chief on your behalf. मैं चीफ से तुम्हारे लिए बात करूँगा। यहाँ पर एक ट्रैक वॉकर की पोजीशन ओपन है, और अपनी वाइफ को भी यहाँ पर बुला लो, मैं उसके लिए तुम्हें फ्री पास देता हूँ। ये उन्होंने स्टेशन मास्टर ने लेवनोव को बोला। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू योर एक्सलेंसी, रिप्लाइड सैमियन। सैमियन ने रिप्लाई किया कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ही स्टेड एट द स्टेशन, हेल्प्ड इन द किचन, कट फायर वुड, केप्ट द यार्ड क्लीन एंड स्वेप्ट द प्लेटफॉर्म। वो स्टेशन पे ही रुका, उन्होंने किचन में हेल्प करी, फायरवुड को कट किया, यार्ड को क्लीन करने में भी हेल्प करी, और प्लेटफॉर्म में झाड़ू भी लगा दिया। द हट वॉज अ न्यू वन एंड वॉर्म। हट जो उनको हट मिली थी, झोपड़ी मिली थी, वो नई थी और गर्म भी थी। विथ एज मच वुड एज ही वॉन्टेड, जितनी वुड उनको चाहिए थी उतनी वुड वहाँ पर थी खाना बनाने के लिए। देयर वॉज अ लिटिल वेजिटेबल गार्डन, उनकी हट में एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन भी था। एंड देयर वॉज अ पोर्शन ऑफ प्लफ्ड लैंड, और फार्मिंग करने के लिए प्लफ्ड लैंड का एक पोर्शन भी था। सैमियन रिजॉयस, सैमियन जो थे वो खुश हो गए थे। ही बिगन टू थिंक ऑफ डूइंग सम फार्मिंग, ऑफ परचेजिंग अ काउ एंड अ हॉर्स, और उन्होंने सोचा कि वो कुछ फार्मिंग कर लेंगे यहाँ पर, और एक काउ और एक हॉर्स भी खरीद लेंगे। ही वॉज गिवन ऑल नेसेसरी स्टोर्स, उसको जो भी उनके काम के लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो दी गई थी। अ ग्रीन फ्लैग, अ रेड फ्लैग, लैंटर्न्स, अ हॉर्न, हैमर, स्क्रू रेंच फॉर द नट्स, अ क्रोबार, स्पेड, ब्रूम, बॉल्स एंड नेल्स। दे गिव हिम टू बुक्स ऑफ रेगुलेशंस एंड अ टाइम टेबल ऑफ द ट्रेन। उसको सारे नेसेसरी चीज़ें जैसे कि ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, लैंटर्न, एक हॉर्न, एक हथौड़ा, स्क्रू रेंच मतलब कि स्क्रूज को जो रेंच करने वाला, बंद करने वाला जो स्क्रू गेज होता है वो भी दिया गया था। एक क्रोबार दिया गया था जिससे हम स्क्रूज को टाइट या ढीला कर सकते हैं। स्पेड दिया गया था, ब्रूम, बोल्ट्स और नेल्स मतलब सारी जो नेल्स जो कीलें होती हैं, बोल्ट्स होते हैं वो लगाने के लिए, वो सारी चीज़ें दी गई थी। और उन्होंने दो बुक्स रूल्स और रेगुलेशंस की भी दी थी उसको, और ट्रेन के टाइम टेबल भी दिए थे। सैमियन लर्न द होल टाइम टेबल बाय हार्ट, पूरे टाइम टेबल को सैमियन ने अच्छे से याद कर लिया था। 2 hours बिफोर अ ट्रेन वॉज ड्यू, कोई भी ट्रेन आने से 2 घंटे पहले ही वुड गो ओवर इस सेक्शन, वो अपने सेक्शन में जाते थे, देखते थे और सुनते थे कि रेल्स जो हैं वो आ रही हैं, या रेल्स की जो रंबल है, जो आवाज़ है वो सुनाई देगी या नहीं देगी।
ही इवन लर्न द रेगुलेशंस बाय हार्ट, और जितने भी रूल्स थे उन सब को, टाइम टेबल को और रूल्स को, दोनों को ही उन्होंने अपने दिल से याद कर लिया था, मन से याद कर लिया था। इट वॉज समर, देर वॉज नो स्नो टू क्लियर अवे। समर का टाइम था तो वहाँ पर कोई स्नो नहीं थी, मतलब कि बर्फबारी के टाइम पे बर्फबारी होती थी, लेकिन गर्मी का टाइम था इसलिए ट्रैक पे से हटाने के लिए बर्फ नहीं थी। एंड द ट्रेन्स ऑन दैट लाइन वर इनफ्रिक्वेंट, और उस लाइन पे जितने भी ट्रेन्स थी वो इनफ्रिक्वेंट थी, मतलब कि कम ज़्यादा आती थी। सेमियन वेंट ओवर हिज एरिया ट्वाइस अ डे, वो अपने एरिया में दिन में दो बार जाता था। एग्जामाइन एंड स्क्रूड अप नट्स हेयर एंड देयर, और एग्जामाइन करके जहाँ पे भी उनको लगता था वो नट्स इधर उधर लगा देते थे। कीप द बेड लेवल, लुक एट द वाटर पाइप्स, ये सब उनका काम था कि बेड लेवल को देखना, ट्रेन के आने का जो जो बेड रहता है उस लेवल को देखना, वाटर पाइप्स को देखना, और घर चले जाते थे ये सब देखकर। देयर वॉज ओनली वन ड्रॉबैक, सिर्फ एक चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। ही ऑलवेज हैड टू गेट द इंस्पेक्टर्स परमिशन फॉर एटलीस्ट द थिंग ही वॉन्टेड टू डू, हर छोटी छोटी बात के लिए उन्हें इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी। 2 months पास, 2 महीने निकल गए, एंड सैमियन बिगन टू नो हिज नेबर्स, और वो अपने नेबर्स से भी मिलने लगा। द ट्रैक वॉकर्स ऑन द अदर साइड ऑफ हिम, वन वॉज अ वेरी ओल्ड मैन हु स्केर्सली मूव्ड आउट ऑफ हिज हट, उसकी दोनों ही साइड में ट्रैक वॉकर्स ही थे नेबर्स उसके, और एक था बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी था जो अपनी हट से बहुत कम बाहर निकलता था। द अदर ट्रैक वॉकर वॉज अ यंग मैन थिन बट मस्क्यूलर, और दूसरा ट्रैक वॉकर जो था वो यंग था, जवान आदमी था, थिन था और मस्क्यूलर था, मतलब कि ताकतवर था। When he and Samian met for the first time, जब वो second वाला आदमी और Samian first time मिले, Samian took off his hat and bowed, उसने अपनी hat निकाल के, Samian ने अपनी hat निकाल के सिर झुका के उसको greet किया। Good health to you neighbor, he said. How do you do, he replied. उन्होंने reply किया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, and then turn around and made off, और अचानक से इतना पूछते ही वो पीछे घूमे और वहाँ से चले गए। However, after one another month or so, they become acquainted. एक दो महीने बाद में फिर से वो उनके बीच में जान पहचान हो गई। Samian would go with Vasily along the line. इस बार वो Vasily के साथ लाइन पर साथ में जाते थे, स्मोक करते थे एंड टॉक ऑफ लाइफ, और लाइफ की बातें करते थे। Vasily for the most part kept silent. बहुत पार्ट के लिए Vasily चुप रहते थे, but Samian talked of his village. Samian अपने विलेज की बातें करते थे and of the campaign through which he had passed. और जिस कैंपेन में वो थे उसकी बातें भी करते थे। I have had no little sorrow in my day, he would say. God has not given me happiness, but it's all God's will. तो सैमियन ने एक बार ये बोला कि मेरे पूरे दिन में मेरे पास कोई दुख नहीं है, भगवान ने मुझे हैप्पीनेस नहीं दी, लेकिन जो कुछ भी है वो भगवान की इच्छा है। एंड परहैप्स सेड Vasily, और फिर Vasily ने बोला कि हाँ शायद, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना मेरे लिए टाइम का वेस्ट करना है। टू पुट एवरीथिंग अनप्लेजेंट ऑन गॉड, जो भी गलत होता है तुम उसके ऊपर भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, एंड सिट एंड सफ़र, और चुपचाप सफ़र करते रहते हो। एंड ही टर्न एंड वेंट ऑफ विदाउट सेइंग गुड बाय, और फिर से वो पीछे मुड़े और बिना गुड बाय कहे वहाँ से चले गए। स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्टडिंग एंड राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी।